बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। राग पीलो भजन पंटी ध्यान धार तू की न विसार तू। ध्यान धार तू की न विसार तू। गुर मूरत मन में विहार तू। ध्यान धार तू गुर मूरत जो ध्यान धरे जो। मन विक्षेप खे सोई हरे थो। सतगुर तै खा थे न परे थो। कार्य सभई पूरा करे थो। पूरा करे थो ध्यान धार तू की न विसार तू। गुर मूरत मन में विहार तू। गुर मूरत मन में विहार तू। वचन गुरु अजो जो मन धारे। आज्ञा गुरजी करह न टारे। गुर सेवा में उम्र गुजारे। तहंजी जय थे जगत मंझारे। जगत मंझारे ध्यान धार तू की न विसार तू। गुर मूरत मन में विहार तू। गुर मूरत मन में विहार तू। गुर मूरत में नृत्य लगाए। गुर मंत्र में सुरत समाए। ब्रह्म ज्ञान में विरति मिलाए। पूरण पद के वठ तू पाए। ओ वठ तू पाए ध्यान धार तू की न विसार तू। गुर मूरत मन में विहार तू। गुर मूरत मन में विहार तू। कहते हूँ गुरु ईश्वर जानी। श्रद्धा सा पढ़ते जी बाणी। असली पैंजो रूप सुजानी। पाइज सर्व सुखन जी खानी। ओ सुखन जी खानी ध्यान धार तू की न विसार तू। गुर मूरत मन में विहार तू। ओ गुर मूरत मन में विहार। राग पीलो भजन 35 ध्यान धार तू की न विसार तू। गुर मूरत मन में विहार तू। ठीक है। पीलो राग के इस भजन में आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज समझा रहे हैं जिज्ञासु को कि ध्यान
सुमरण के द्वारा ही शांति की प्राप्ति होगी। मन चंचल के शांत हित एक हरि को ध्यान, कहते हूँ हरि ध्यान बिन मिले न शांति सुजान। परमात्मा का ध्यान, गुरुदेव के चरणों का ध्यान करने से ही, उनकी मूर्ति को अपने मन में बसाने से ही शांति की प्राप्ति होगी। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, गुरु की मूर्ति का ध्यान, उसी से ही आगे का मार्ग परमार्थ का खुलता है। गुरु मूर्त जो ध्यान धरे जो, मन विक्षेप के सोई हरे तो। जो गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान करता है उसका मन स्थिर हो जाता है, चंचलता मन की शांत हो जाती है। सतगुरु तैखा थे न परे थो, कार्य सब ही पूरा करे तो। गुरुदेव कभी उससे दूर नहीं, लाख कोस सतगुरु बसे, दीजे सुरत पठाए, शब्द तुरी असवार पे, खिन आवे खिन जाए। भले ही गुरु महाराज कितनी दूर बैठे हों शरीर के द्वारा, लेकिन मन की वृत्ति उनके चरणों में जुड़ी हुई है तो एक क्षण भी वो उनसे जुदा नहीं। सभी कार्य वो सिद्ध करते हैं। वचन गुरु जो जो मन धारे, आज्ञा गुरु जी कदह न तारे, गुरु सेवा में उम्र गुजारे, तैंजी जग में जय थे जगत मंझारे। जो गुरुदेव के वचन अपने हृदय में धारण करता है, कभी भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। जो उनका आदेश है, जो उनके उपदेश है, उसी के अनुसार आचरण करता है और गुरु के चरणों में बैठ करके अपना जीवन उनको अर्पण करता है, उसकी संसार में जय जयकार होती है। श्रुति वृत्ति नृत्य तीनों को गुरुदेव से जोड़ना है। मूर्ति में वृत्ति, गुरु मंत्र में श्रुति और गुरु के ज्ञान में वृत्ति। गुरु मुहूर्त में नृत्य लगाए, गुरु मंत्र में श्रुत समाए, ब्रह्म ज्ञान में वृत्त मिलाए, पूर्ण पद के वठ तू पाए। तो ये मन की हर प्रकार से गुरुदेव के चरणों में मन लग जाए, तभी पूर्ण पद की प्राप्ति होगी। कहे टेहूँ गुरु ईश्वर जानी, श्रद्धा सा पढ़ तहजी बाणी, असली पहनो रूप सुजानी। गुरुदेव को ईश्वर का स्वरूप जानना है। ईश्वर गुरु रात्मेति, मूर्ति भेद विभाग नो। गुरुदेव और ईश्वर में कोई भेद नहीं। श्रद्धा पूर्वक उनकी अमृतमय वाणी का श्रवण मनन करके अपने सत स्वरूप को जान के सर्व सुखों की प्राप्ति का मार्ग खोलते हैं, खुलता है। तो गुरु महाराज जिस भजन में गुरुदेव के पावन चरणों का ध्यान, उनके नाम का सुमरण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। अमरापुर बाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ,
पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी हिंदी अमरापुर वाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दोहावली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।